अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदर अब्बास, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा लेक्चर है, हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। कि हमें नंबर डिफरेंट नंबर और सिस्टम को स्टडी करना है कि किस नंबर सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे मूव करते हैं, कैसे जाते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूंगा लास्ट लेक्चर जो हमने फर्स्ट चैप्टर एंड किया, जिसमें हमने स्टडी किया था कि वेरिफिकेशन देखा था, वैलिडेशन देखा था और उसमें से डिफरेंस देखा था हमने उन दोनों का। देन हमने उसका ट्रुथ टेबल देखा था। लास्ट में हमने उसकी इन्वेंटेशन को यूज़ करते हुए उसकी डिफरेंट टेक्निक्स को देखा था। आज का हमारा लेक्चर है नंबर सिस्टम की। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के। हमारे कौन कौन से नंबर सिस्टम हमारे पे करंटली मौजूद है, करंटली हमारे पास प्रेजेंट है। हमारे बेसिकली फोर नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन आपके नाइन्थ क्लास के सिलेबस में कोर्स में आते थे थ्री नंबर सिस्टम है, तो हम उन्हीं की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन क्या है वहाँ पर, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड थर्ड वन आपके पास क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वन में पर हम सबको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पे क्या आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में डेली यूज करते हैं, वो हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे टोटल नंबर कितने होते हैं, जीरो से लेकर नाइन तक, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 डिजिट होते हैं, इसलिए इसको हम डेसिमल कर देते हैं। और इसकी बेस क्या होती है, हमारे पास 10 होती है। किसी भी चीज़ की जो हमने बेस देखनी होती है, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम जाते हैं, उसकी बेस से जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ बेस में जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा डेसिमल सिस्टम, जो हम लोग डेली नॉर्मल लाइफ में अपना यूज करते हैं। सेकेंड वन हमारे क्या होता है, बाइनरी, इसमें से दो वैल्यूज होती हैं, जीरो एंड वन। और इसकी बेस क्या होती है, टू। जितने आपके पास किसी भी नंबर सिस्टम में जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे, उतने आप पे क्या होगा, वो उसकी बेस होगी। मीन्स इसमें 10 थे तो उसकी 10 बेस होगी, इसके 2 है नंबर, दूसरी क्या की बेस 2 हो जाएगी। जिस सिस्टम में, जिस नंबर सिस्टम, जितने उसकी डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हम उसको यूज करेंगे, उतनी वो उसकी बेस बन जाएगा। डेसिमल सिस्टम को हम लोग ह्यूमन यूज करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, और बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। कंप्यूटर जो भी कुछ समझता है, जो भी अंडरस्टैंड करता है, वो 0 और 1 की रैंकिंग, मीन्स के बाइनरी लैंग्वेज को स्टडी करता है। हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर पे कीबोर्ड के थ्रू ए टाइप करते हैं, तो वो ए कन्वर्ट होता है पहले ASCII कोड में, ASCII कोड को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी डिजिट में, देन बाइनरी से वो कन्वर्ट होते हैं, कंप्यूटर को पता चलता है कि यूजर ने ए टाइप किया, तो आपकी स्क्रीन पर ए शो हो जाता है। ये होता है उसका बैकग्राउंड का प्रोसेसिंग। थर्ड वन हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्सा क्या होता है, 6 को कहते हैं और डेसिमल 10 को कहते हैं, तो हेक्साडेसिमल 6+10 मींस कि 16। इसमें हमारा टोटल नंबर होते हैं 16 और इसकी बेस क्या होती है, हमारे पास 16, मींस 0 से लेकर 9 तक सेम होता है। हम 10 की जगह पे ए लिखते हैं, 11 की जगह पे बी लिखते हैं, 12 की जगह पे सी लिखते हैं, 13 की जगह पे डी, 14 की जगह पे ई, और लास्ट में 15 की जगह पे हम लोग एफ लिखते हैं। ये हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज करते हैं इन हेक्साडेसिमल सिस्टम में। 0 से 9 तक सेम, फिर ए से लेके एफ तक हमारी रेंज होती है। टोटल नंबर सिस्टम, टोटल नंबर उसमें होते हैं 16, तो 0 इंक्रीज करेंगे तो 16 होता है, उसकी बेस क्या होती है, हमारे पास 16 होती है, हमारे पास उसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, ये इसकी बेस। आज अब स्टडी करेंगे कन्वर्जन, कि हम लोग कैसे एक सिस्टम से, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे मूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या आ रहा है, डेसिमल टू बाइनरी, कि आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे। मीन्स की डेसिमल जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, आपको दिया गया हो, गिवन हो, और आपने मूव करना है बाइनरी में, कैसे मूव करेंगे आप, तो ये हमने दिया हुआ है डेसिमल में, हमने बाइनरी में मूव करके जाना है, और क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा होगा। अब हमने क्या, जो चीज़ आपको डेसिमल में दिया, आप उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। जो सिंपल आप एलसीएम लेते हैं, ये हमने एलसीएम दिया 15 का, तो हमने क्या किया, 2 को डिवाइड किया 15 पे, 2 को डिवाइड करेंगे 15 पे, आपके क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 7 14। अब हमने एलसीएम इस तरीके से लेना है कि हमारी वैल्यू जो बड़ी है उसे बढ़ ना जाए, उसकी इक्वल आ जाए या उससे एक कम आ जाए। अब 2 7 14 होता है, 2 8 16, तो 16 हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 14 को ले लेंगे। 2 7 14 हमने क्या लिया, 2 7 14 ले लिया, बाकी 1 रिमेनिंग रहेगा, वो हम लोग डैश डाल के 1 लिख देंगे साथ, ठीक है। देन इसको अगेन 2 पे करेंगे, 2 2 3 6 और 2 4 8 बढ़ जाता, 2 3 6 ले लेंगे, 1 रिमेनिंग रह जाएगा, वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अगेन 2 1 2 2 2 4 बढ़ जाता, 2 1 2 करके 1 रिमेनिंग रह जाएगा, वो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और अब जब हम इसको फ्लैशिंग करेंगे कि अभी किस तरह बच रहा है, हम लोग ये मैंने एरर का निशान लगाया, आप यहाँ से स्टार्ट होंगे लेफ्ट से, अपने अपने लेफ्ट से राइट की तरफ, नीचे लेफ्ट से राइट की तरफ, देन टॉप टू बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट, बॉटम टू टॉप आप मूव करेंगे, 1
1 1 1 ये टेट्रा वन आ रहा था, मींस के 15 डेसिबल में जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेट्रा वन आ जाएगी 2 के इक्वल। अब हमें पता ही चलेगा हमने किस तरह डिवाइड करना है, ठीक है। अब डेसिमल से हम लोग बाइनरी में जा रहे हैं तो हम इसको 2 से करेंगे क्योंकि बाइनरी की बेस हमारे पास 2 होती है और बाइनरी की बेस हमारी 2 होती है, डेसिमल की बेस 10 होती है। 10 से 2 में जा रहे हैं तो हम 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम लोग 10 से 16 में जाते तो हम लोग 16 पे डिवाइड करते हैं, 10 से 8 में जाते तो हमें 8 से डिवाइड करना पड़ता। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, उल्ट ले लूं कि अगर मैं बाइनरी में दिया और हमने डेसिमल में मूव करके जाना है, मींस कि हमें बेस 2 में दिया हमने बेस 10 में जाना है मूव करके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज दी हुई होगी उसको वन बाय वन सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। मींस 2 इसकी बेस है, 2 को हम लोग पहले जितने भी अंदर डिजिट है सबसे वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से, फिर अगेन 2 को 1 से, फिर 2 को अगेन 1 से, फिर 2 को 1 से, फिर हम लोग कहेंगे राइट मोस्ट साइड से अपना राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 नंबर देना, 0 1 2 3 0 से स्टार्ट करेंगे उसको नंबर देने के लिए ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। अब 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो आपके पास, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसकी इक्वल होती है वो 1 के इक्वल होती है, किसी भी चीज की पावर अगर 1 हो तो वो उसके खुद के ही इक्वल होती है। मैं आपको गेन रिपीट करूं, 2 की पावर किसी भी चीज की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, सो ऑन, जो सी मर्जर डिजिट है अगर उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब वो 1 के इक्वल है। अब 2 की पावर 0 हमने किया तो 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 बनता है 2 1 लिख लिया, 2 की पावर 2 2 टू द 4 2 लिख दिया, 2 की पावर 3 8 मींस कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, किसी भी चीज की जो पावर होती है इस मीन दैट उसको हमने उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, ये हम फार्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n का, 2 की पावर 3 तो मींस 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो ये आपके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कि हम ये फार्मूला यूज करते हैं किसी भी चीज को अगर हमें मल्टीप्लाई करना तो उसको उतने टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपके वो आंसर आ जाए। अब 2 की पावर 3 तो हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 4 4 2 8 आपके आंसर आ गया, हमने 8 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने में 1 1 1 आ जाएगा, 2 1 2 4 1 4 8 1 8, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मैंने आपको वही एग्जांपल लिया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ताकि आप इजीली समझ जाएं। 15 से जब हम लोग बाइनरी में गए तो हमारे पे टेट्रा वन आया आंसर, जब हमने बाइनरी से डेसिमल में गए टेट्रा वन से हमने जब डेसिमल में गए तो टेट्रा वन से गए तो आंसर फिर भी क्या आया, 15 ही आया। मींस कि अगर आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाएंगे तो आंसर वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगी, उनकी वैल्यूज की जो हमारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ, आज हमने स्टडी किया है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम स्टडी किया, नंबर सिस्टम होता क्या है, तो क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड है। हमारे पास डेसिमल्स में 10 डिजिट होते हैं इसकी बेस 10 होती है, बाइनरी जिसमें 2 डिजिट होते हैं इसकी बेस 2 होती है, हेक्साडेसिमल इसकी 16 होते हैं नंबर और उसकी बेस 16 होती है। फिर हमने कन्वर्जन देखी डेसिमल टू बाइनरी में, कि हम डेसिमल से बाइनरी में गए थे, डेसिमल टू बाइनरी हमेशा हम लोग एलसीएम के थ्रू जाएंगे कि जो भी नंबर दिया होगा उसका हमने एलसीएम लेना है, देन उसको लेफ्ट से राइट किया और बॉटम से टॉप की तरफ से उसकी वैल्यूज को हम लोग ले लेंगे। देन हमने इसका रेसिप्रोकल उलट लिया बाइनरी टू डेसिमल, तो जो चीज हमें वैल्यू में दी हुई होगी उसको हम लोग वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज बाहर होगी बेस से, मीन की बेस को जो नीचे दी हुई थी इसको बेस कहते हैं, इस 2 को हम अंदर वाइज आप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन हम लोग इसकी पावर में सॉल्व करेंगे राइट मोस्ट साइड से 0 से 0 1 2 3, हमारी कंडीशन में 4 नंबर थे तो 4 2 थे तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 आ जाएगा, 4 नहीं आया क्योंकि 0 हमने इंक्लूड कर लिया, तो 0 1 2 3 आ गया, ये हमारे 4 कंप्लीट हो गए। फिर हमने इसको सॉल्व किया, किसी चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है, तो हमने 1 सॉल्व किया, 2 1 2 और उसका आंसर निकाला 15, दोनों सेम आए हैं मींस के उससे उधर जो है बाइनरी डेसिमल जाए डेसिमल टू बाइनरी जाए आंसर आपका सेम ही रहता है, जिस आपका वे ऑफ 3 का चेंज रहता है, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ सुना आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड अभी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।